आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना लहसुन प्याज का नवरात्रि स्पेशल चना फ्राई। ये रेसिपी आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए चना फ्राई बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 200 ग्राम चना को 4 से 5 घंटा पानी में भिगो लिए हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 गिलास पानी और 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर इसे बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर चना को पहले से बॉयल करके रखे थे, तो सबसे पहले पैन को गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्च, अब इसमें 1 कटे हुए गाजर डालेंगे। सभी को थोड़ा चला लेंगे। सभी को हल्का चला लिए हैं, मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट इसी तरह भूनेंगे। एक मिनट इसे भून लिए हैं, अब इसमें थोड़ी सी कटे हुए पत्ता गोभी डालेंगे। पत्ता गोभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। पत्ता गोभी को अच्छी तरह मिला लिए हैं, 30 सेकेंड इसे इसी तरह भूनेंगे। तीस सेकेंड हो चुका है, अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच गरम मसाला, अब इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। सभी को अच्छी तरह मिला लेते हैं। सभी को अच्छी तरह मिला लिए हैं। मसाला को 1 मिनट इसी तरह भूनेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। सभी मसाला को 1 मिनट भून लिए हैं, अब इसमें चना डालकर भूनेंगे। चना को अच्छी तरह मिला लिए हैं, 2 से 3 मिनट सभी को इसी तरह भूनेंगे। इसे भून लिए हैं, अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेंगे। धनिया पत्ती को अच्छी तरह मिला लिए हैं। ये चना फ्राई तैयार हो चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये नवरात्रि स्पेशल चना फ्राई तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।